कितनी तेज पानी आ रहा है भाई, पानी का बहाव कितना तेज है। कसौली तक में इतनी ज्यादा लैंडस्लाइड हुई हुई है, क्या बताऊं मैं आपको भाई। ये देखो पूरे रास्ते के अंदर लैंडस्लाइड हुई हुई है यार, आप देखो भाई, बड़ा रिस्की हुआ हुआ है रास्ता इस टाइम अगर आप ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो। देखो हर जगह लैंडस्लाइड भाई, ये देखो कैसा रास्ता है यार। हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ कसौली। कसौली एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा रास्ता दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे कसौली जा सकते हो। हम अपनी जर्नी जो है दिल्ली से चालू कर रहे हैं एंड वाया चंडीगढ़ होते होते हम जाने वाले हैं कसौली। हाय दोस्तों, आप सोच रहे होंगे आपका भाई कहाँ जा रहे हैं। सो दोस्तों, मैंने कहा आप सबके लिए लेके आया जाए एक और नया रोड ट्रिप। हम जा रहे हैं दिल्ली से कसौली। इस टाइम मैं हूँ मूर्थल में, मैंने कहा कुछ पेट पूजा कर ली जाए, वो वीडियो में आगे आपको दिखा दें। तो 301 किलोमीटर की ये जर्नी होने वाली है। अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ मैं पूरा, मामा भी पहली बार जा रहे हैं हमारे साथ, नानी भी जा रही हैं, मम्मी भी जा रही हैं, तो काफ़ी मज़ा आएगा इस व्लॉग में। सबसे आपको मिलवाता हूँ, बाकी रोड कंडीशंस देखते हैं कैसी है। जैसे मसूरी अभी हम गए थे लास्ट वीक, बहुत ही टेरेबल कंडीशंस थी रोड कंडीशंस, काफ़ी बारिश हो रही थी, काफ़ी लैंडस्लाइड हो रही थी। लेट्स सी कसौली में क्या माहौल है। चंडीगढ़ से 1.5 घंटे की ही ड्राइव है, ज़्यादा पहाड़ी नहीं है, बट रास्ता देखते हैं कैसा है यार, लेट्स सी। चलो वीडियो चालू करें। तो दोस्तों, मैंने कहा पेट्रोल भरवा लिया जाए, ट्रिप चालू कर लिया जाए, एक और नई रोड ट्रिप चालू हो चुकी है, मज़ा आने वाला है यार। कीर्ति नगर से हम अपनी जर्नी चालू कर रहे हैं एंड जा रहे हैं कसौली। कसौली में बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी बुक करी हुई है यार, तो आपको मज़ा आएगा, अगले ब्लॉग में आप देखना। बाकी इसमें आपको रास्ता वगैरह पूरी फैमिली से मस्ती करवाते करवाते लेके चलते हैं। पेट्रोल भरवा लिया है, 52 लीटर्स पेट्रोल आया है अपना, पेट्रोल भरवा लिया, ट्रिप कर लिया जीरो, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। जर्नी चालू कर रहे हैं, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। चलो जी पेट्रोल भरवा लिया, ऑल साइड निकल रहे हैं हम सारे। हाँ जी, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। है क्या दोस्तों, हम सुबह सुबह अपनी जर्नी चालू कर रहे हैं, तो आप देखो कितना ट्रैफिक लग चुका है अर्ली मॉर्निंग भी। एंड भाई ये पंजाबी बाग वाली साइड ना, यहाँ पे तो हमेशा ही ट्रैफिक होता है। टाइम हुआ है अभी 6:15 और आप देखो सुबह सुबह भी कितना ट्रैफिक है यार। लॉन्ग वीकेंड आ गया ना, तो मेरे को लग रहा है सब पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, सब चिल करने कहीं ना कहीं बाहर जा रहे हैं। तेरे मामा मंडे भी ऑफ है बिकॉज ऑफ जन्माष्टमी, तो 2 दिन का वीकेंड। लोग तो दिल्ली वाले तुम्हें पता ही है, जहाँ 2 छुट्टियाँ आती हैं, तो यहाँ तो मसूरी, यहाँ नैनीताल, शिमला, कसौली, आई मीन बिकॉज दिल्ली के नियर बाई इतने सारे मतलब हिल स्टेशन है एंड अब तो हाईवेज भी इतने अच्छे बन चुके हैं, तो वेरी इजी टू कम्यूट। सो ये हमने जो रास्ता लिया है, हम जा रहे हैं पंजाबी बाग से टूवर्ड्स आज़ादपुर, वाया मूर्थल होते होते हम जाएंगे। नया वाला फ्लाईओवर जो बन गया ना, इससे कनेक्टिविटी काफ़ी सही कर दी है, नहीं तो ये नीचे शोपियार वाली साइड इतना ट्रैफिक होता था भाई साहब। ये बहुत बढ़िया चीज़ है यार, ऐसे ही रास्ता मिले ना तो मज़ा आ जाएगा भाई। यहाँ से जाने के लिए ना 2 रास्ते हैं, आप लेफ्ट वाली साइड भी जा सकते हो, करना वाली साइड एंड सीधी वाली साइड भी जा सकते हो। आज़ादपुर है लेफ्ट साइड पर, मैं तो सीधे वाली साइड से जाता हूँ हमेशा, बढ़िया रहता है। बारिश हुई है, रोड की हालत देख लो भाई साइड में भाई, अपना दिल्ली प्रिपेयर्ड ही नहीं है भाई इन बारिशों के लिए। दिल्ली का आउटस्कर्ट आ गया कह रही है, तो मॉल टाउन पार कर लिया हमने, बट फिर भी आप देखो यार ख़राब हालत हो गई है भाई मानसून में। बारिश भी इस बारी बहुत बढ़िया एंड तगड़ी पड़ी है ना हर बारी। जब भी मैं घर से निकलता हूँ किलोमीटर दिखा रहे होते हैं कम, एंड जब भी ये वाली साइड आ जाता हूँ मैं, यहाँ से किलोमीटर बढ़ जाते हैं। दिखा रहा था घर से जब निकले थे 241, अब दिखा रहे 285। आप देखो 40 किलोमीटर, मतलब अगर आप हमारे पहले से ब्लॉग्स देख रहे हो ना, तो इस रोड पर हमेशा यही होता है यार। ये वाले कट का ध्यान देना भाई, ऊपर मत चढ़ जाना नहीं तो कहीं और पहुँच जाओगे। यहाँ पे कट देख लो, यहाँ से लेफ्ट होते हुए आपको जाना है एंड भाई बहुत सारे पॉट होल्स हैं यार। ये देखो भाई यहाँ तो भैया हालत बड़ी ख़राब लग रही है रोड की। सो दोस्तों रोड कंडीशंस काफ़ी ख़राब हैं, तो आप ध्यान से ही जाना, आराम से गाड़ी चलाते चलाते जाना। बाकी यहाँ से आगे एक लेफ्ट कट आता है टूवर्ड्स करनाल, बस उसका ध्यान देना, बाकी तो रास्ता सॉर्टेड है। अपने दिल्ली के माउंटेन्स आ गए, कूड़ा घर आ गया भाई यहाँ का। ये दिल्ली के माउंटेन्स है भाई, देख लो एक बार, अगर आपको पास के पहाड़ देखने हो, ओ भाई साहब आगे ट्रैफिक लगा हुआ है, बहुत ही गंदा हो यार ये वाला टाइम।
खड़ी करके कौन सा पहाड़ है, कूड़े वाला पहाड़ है, कूड़ा घर है ये भाई। ट्रैफिक लग चुका है यार बहुत ज्यादा जबरदस्त ट्रैफिक है थोड़ा जल्दी निकल जाते ना तो बेटर रहता। आउटस्कर्ट्स पे तो थोड़ा रहता ही है बट एक बार हम हाईवे पे जैसे विल जंप इनटू द हाईवे तो इट विल होपफुली इट शुड बी अ स्मूथ राइड। ट्रू। बाकी आपको पता ही है यार आपको भाई को रात को गाड़ी चलानी बड़ी पसंद है, दिन में ये वाली ब्यूटी होती है यार ये ट्रैफिक की। वर्स्ट हाईवे में हमेशा कलपता हूँ यहाँ पे आके, ट्रैफिक इतना है। बाकी एक्सप्रेस वेज वगैरह बन चुके, कितनी डेवलप हो चुकी है बाकी सारी रोड्स, यहाँ भी बनवाओ यार बहुत जरूरी है, यहाँ से कितनी जनता कम्यूट करती है। So, दोस्तों आप भी कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये हाईवे अच्छा लगता है या बाकी जो एक्सप्रेस वेज खोल चुके हैं वो ज्यादा बेटर लगते हैं। 2000 years later लो जी अब थोड़ा रास्ता यहाँ से शॉर्ट हो गया टुवर्ड्स करनाल वाली साइड, मूर्थल वाली साइड, अब सही है। मतलब अभी भी आपको ट्रैफिक तो दिख ही रहा होगा लेकिन उससे तो बहुत ही बेटर है भाई, उससे हम चल तो रही है गाड़ी। रोड की हालत देख लो भाई। भाई ये वाला जो हाईवे है ना बहुत ही डिफिकल्ट है, मतलब इसको क्रॉस करना चाहे आप दिन में आओ रात को आओ यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक होता ही होता है। एंड ये देखो संडे के दिन भी स्कूल की गाड़ियाँ जा रही हैं, पता नहीं कौन सा पिकनिक मनाने जा रहे हैं सारे। मैं तो आप सबको यही कहूँगा कि अगर इस हाईवे पर जाना है ना तो थोड़ा सा जल्दी निकल जाओ, बिकॉज़ ये अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम ना सारे ही बंदे इस टाइम पे कम्यूट कर रहे होते हैं यहाँ से। बस सुबह जाने का भैया ये एक बहुत बड़ा चक्कर है यार, ये पार करना ना भाई। स्पीड लिमिट जो है हाईवे पे है ना ये वाली साइड यहाँ पे 70 km/h, लेकिन आई डोंट थिंक 70 टच भी कर पाओगे इतने ट्रैफिक में। आप बढ़िया रोड आई थी एंड यहाँ पे डाइवर्जन आ गई है, ये तो आई थिंक जब से मैंने ब्लॉगिंग चालू करी है तब से डाइवर्जन, पता नहीं क्या बना रहे हैं यार यहाँ पर, जल्दी बने भाई जो भी बना रहे हो। कह रहे हैं कि रोड थोड़ी बढ़िया देखी, मैंने कहा मत बोलो भाई फिर ट्रैफिक आ जाएगा भाई। इतनी देर के बाद कुछ बढ़िया रोड दिखाई दिया, अदरवाइज तो बस ट्रैफिक ही ट्रैफिक, और सुबह के निकले हुए यूं लगता है हम दिल्ली के बाहर जल्दी से जल्दी निकलेंगे। अब तो आ गए दिल्ली बाहर, अब तो थोड़ा स्मूथ है, अब तो स्मूथ है। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दे भाई फाइनली कुछ तो बढ़िया दिखा रास्ते में स्मूथ रोड। ये और भी दिल्ली की गाड़ियाँ जा रही है आगे, मलिनो भी जा रही है छुट्टियाँ मनाने, वीकेंड मनाने। फाइनली आ गया है फेवरेट ढाबा, मूर्थल तो आया ही इसके लिए जाता है सुखदेव। यार सुबह सुबह भी भाई बाकी सारे ढाबे खाली है, यहाँ पे भीड़ है भाई। जी हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है एंड अब हम जा रहे हैं मेरी फेवरेट जगह सुखदेव, अमरीक सुखदेव भाई। वही एक रेयर मोमेंट है जब आपको सुखदेव थोड़ा सा खाली दिख रहा है बाहर, अंदर तो चलो फिर भी थोड़ी भीड़ है, नहीं तो भाई ट्रस्ट ये जगह कभी भी खाली नहीं होती। ये देखो भाई सुबह सुबह का टाइम है एंड देखो भाई बैठने की जगह तक नहीं लग रही, टेबल ढूंढना भी यहाँ पे एक टास्क है यार। तो फाइनली टेबल खाली मिल गया यार, यहाँ पे बैठ के बढ़िया पराठे परूठे हो जाए सुबह सुबह भाई। ये तो भैया इस हाईवे की स्पेशलिटी है, मतलब वो कहते हैं ना अगर आपने जैसे टोल नहीं दिया तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, उसी तरीके से अगर सुखदेव के पराठे नहीं खाए तो भैया आगे नहीं बढ़ेगी गाड़ी। क्यों भैया? मैं कह रहा हूँ अगर सुखदेव का पराठा नहीं खाया तो कुछ नहीं किया है। चलो भैया मेन्यू वगैरह दे दो एक बारी, आपको मेन्यू तो दिखा दें कि क्या क्या मिलता है। वैसे तो यहाँ के पराठाज सुपर स्पेशल है बट आप और चीज़ें भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हो यार, चाय भी बहुत बढ़िया करारी चाय मिलती है भाई यहाँ पे, मोइटो वगैरह भी है एंड इंडियन स्नैक्स वगैरह भी है, साउथ इंडियन खाना भी है, लस्सी वस्सी भी आप ले सकते हो, उसके बाद सूप्स वगैरह भी है यहाँ पे, स्ट्रीट फूड, मतलब टोटली दिस इज़ अ प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। सही है यार, मतलब काफ़ी वैरायटी है आप देखो इंडियन खाने की ना यहाँ पे, तो सही है यार दिस इज़ नॉट बैड। मेन्यू मैंने कहा आप लोगों को दिखा देते हैं, वैसे मेरे को तो क्या देखना, मैंने तो खाना ही पराठा यार, बाकी एक बारी घर वाले आ जाए उनसे भी पूछते हैं क्या खाएंगे वो सारे।
ये देखो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अचार मिले हुए हैं। ये आई थिंक नींबू का अचार है एंड ये आम का है। मामा कह रहे प्लेट इतनी बड़ी है तो पराठा कितना बड़ा होगा। तो निकलते ही आ रही है नींद है क्या? मेरे को इतनी आदत है ना रात को गाड़ी चलाने की कि दिन में नींद आती है। अब बैठा हूँ यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, नींद आ रही है यार। चाय आए फिर थोड़ी एनर्जी आएगी। कुछ ऑफ बीट एंड ऑफ शो ट्राई किया जाए। मामा खा रहे हैं इडली, वाजी वाह। ये हम निकल चुके हैं मूर्थल के बढ़िया पराठा खाने के बाद। मैंने कहा चलो अब अपनी जर्नी कंटिन्यू करें। क्या आ गया आपका पहला टोल, अभी टोल पार करते हैं तो आपको प्राइस वगैरह बताता हूँ कितना हमने यहाँ पे किया। पीछे पता नहीं किट्टियों के हिसाब चल रहे, किट्टी किट्टी कर रहे हैं सब जाने की। भाई आप भी कमेंट सेक्शन में बताओ यार, आप भी रोड ट्रिप पे फैमिली के साथ जाते तो ऐसा होता है क्या? किटिया किटिया पीछे देखो, नानी का देखो पीछे देखो यार। कभी हम चिल्लड़ करने के जाते हैं, कभी हम बट यू नो वन शुड बी फेयर। हां ये नानी को देख लो, मुंशी जी को चश्मा पहन के, हमारे मुंशी जी को नानी ये पता नहीं क्या कर रहे हो भाई। कुछ नहीं कर रही नानी, पहले कहती है 500 दो फिर 100 लो फिर पता नहीं नानी पूरी खेती के पैसे इकट्ठे कर रही है। ये देखो उसके बाद हम खर्चा करेंगे, एंजॉय करेंगे। बहुत ट्रैफिक है भाई, पता नहीं कब पहुंचेंगे यार। आपने जाना हो हिल स्टेशन या कहीं पे भी जाना हो तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप यहाँ तो नाइट ड्राइव करें, 12 बजे निकले जिसमें आपको आराम से कम्फी ड्राइव मिलेगी, या फिर अर्ली मॉर्निंग 4 बजे तक आप शूट, सो दैट फिर आपको ये ट्रैफिक नहीं मिलेगा। देख रहे हो यार यहाँ पे भी मतलब फीमेल स्टाफ रखा हुआ था इन्होंने। ये चीज़ मेरे को काफ़ी बढ़िया लगती है यार, ये इनिशिएटिव कि टोल बूथ पे जो अटेंडेंस है वो डे शिफ्ट जो होता है मोस्टली आप देख रहे हो फीमेल्स होती हैं। जैसे हम मसूरी भी गए थे तो वहाँ पे भी फीमेल एम्प्लॉय थे एंड यहाँ पे भी, ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। बढ़िया बैच है यार, यहाँ पे स्पीड लिमिट 100 है, बाकी आराम से चलाने यार। स्पीडिंग कैमराज वगैरह हर जगह लगे हुए हैं। तो जी पानीपत फाइनली हम आ गए हैं। पानीपत भी यार बहुत दूर लग रहा है इतने ट्रैफिक में ना। ये देखो यार सामने गाड़ी है, नहीं स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो ये भी सही गाड़ी है यार। अभी तक हम 101 किलोमीटर आ चुके हैं एंड टाइम है 9:09। आई थिंक हम 6:30 के आसपास निकले एंड ये देख लो 3 घंटे में अभी सिर्फ 100 किलोमीटर कवर हुए हैं। तो आप खुद ही सोच लो जिसमें से हम आई थिंक 40 मिनट्स वहाँ पे रुके होंगे मूर्थल में। तो काफ़ी स्लो ही जा रहे हैं यार, बिकॉज आपको पता ही है हाईवे कैसा है। चंडीगढ़ के बाद थोड़ा सॉर्टेड हो जाता है मोहाली पहुँचने के बाद। और भी बंद है यार, मैं आपको कह रहा था कुरुक्षेत्र सॉरी हम करनाल में अब एंटर हुए हैं एंड ये फ्लाईओवर ऊपर का बंद है तो नीचे से सारी गाड़ियां जा रही हैं। देखो ये नहीं करना नहीं, वाह यार क्या फ्लो आ रहा है भाई पानी का उत्तरी। फाइनली हम इतनी देर से ढूंढ रहे थे कहाँ चले गए खली जी, खली जी का ढाबा आ गया। गिरा हमने ब्लॉग बनाया था, मिले भी थे खली जी को, तो अब जा सकते हैं। डिस्कशन ये हो रही है अब घर पे, यहाँ पे डिस्कशन घर वालों की हो रही है कि हमें डॉगी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप बताओ ना,
करने से हमारा और एक लेना चाहिए या दो लेना चाहिए, एटलीस्ट दो की होगी, दो की कंपनी है वो बंदोर नहीं होगा। अगर आप कहीं जा भी रहे हैं तो दो होंगे तो एटलीस्ट आप में दोनों बातें करते रहेंगे। ये जैसे मम्मी अपनी मुंडी अभी बीच बीच में ऐसे ऐसे करती है ना, एक टाइम पे हमारे पांच जॉब्स थे। हम कुरुक्षेत्र पहुंच गए हैं फाइनली, टाइम हो चुका है 10:08, 171 किलोमीटर्स, एंड ये आ गई है मन्नत हवेली। ये भी बहुत फेमस है यार, इसका भी हमने ब्लॉग डाला था जब हम वॉल्वो में ट्रैवल कर रहे थे। जैसे आपका मूर्थल का सुखदेव फेमस है ना, वैसे यहाँ पे ये फेमस है। हम अंबाला कैंट के अंदर वाली साइड से जा रहे हैं बिकॉज वहाँ पे जीरकपुर वाली साइड पे थोड़ा सा ट्रैफिक जाम है, तो ये नया रूट है जिससे हम जा रहे हैं। मैं अभी पहली बार जा रहा हूँ। ये देखो अंबाला कैंट के अंदर आ गए हम। इस रोड का नाम है शैतान सिंह, एंड देखो कितना ही सुंदर बना हुआ है यार रोड, यहाँ पे कितना बढ़िया है भाई, मजा आ रहा है भाई। यहाँ पे ज्यादा रिकॉर्ड नहीं करते यार, आर्मी वाला एरिया है, यहाँ से निकल के बात करते हैं। बट रास्ता आप देख लो, ये दूसरा वाला रास्ता है, यहाँ पे आपको ट्रैफिक कम मिलेगा। चंडीगढ़ जब भी आओ ना, चंडीगढ़ को क्रॉस करने के लिए हमेशा अलग रास्ता मिल जाता है। धर्मशाला गए थे तब भी पता नहीं कौन सी वाटर क्रॉसिंग आ गई थी, अभी देखो है तो बड़ा ही मतलब ब्यूटीफुल सिनेटिक रास्ता, एकदम खेतों के अंदर से घूम रहे हैं। रास्ता देखो यार, मेरे को ऐसा लग रहा है चिमकौर में डाले भाई, क्या रास्ता है भाई। सीधा पोंटा साहिब जा रहे हैं, यहाँ से हम लेफ्ट हो गए टुवर्ड्स पंचकुला। सो दोस्तों डायरेक्टली यहाँ से पंचकुला हम पहुंचने वाले हैं। काफी रास्ता बच गया चंडीगढ़ का ट्रैफिक, जीरकपुर का ट्रैफिक बच के डायरेक्टली पंचकुला आ गया है, NH7 आ गया है। बहुत ही बढ़िया रोड है यार, मतलब आप भी ये रूट यूज कर सकते हो अगर आना है तो। ये चीज देखो यार, ये बहुत बढ़िया है, यहाँ पे भाई एक गाड़ी नहीं, मतलब खुला, मतलब जैसे मसूरी वाला हाईवे है बाकी अपने हाईवे से, बहुत बढ़िया भाई, बहुत प्यारी एंड बढ़िया ड्राइव है यार। टू पंचकुला, ये देखो भाई बहुत ही ब्यूटीफुल है यार ये वाली जगह ना, चंडीगढ़ पंचकुला ये वाली साइड कितनी सही है यार। चलिए दोस्तों ये आ गया है हमारा लास्ट टोल, ये रास्ता सीधा शिमला के लिए भी जाता है, कसौली के लिए भी जाता है, आप एक तरीके से हिमाचल आ गए हो। गाड़ी चालू हो गई ऑफिशियली आफ्टर द टोल, वाह जी वाह, पर रास्ता देख लो भाई और क्या लोगे यार, इसे सिनेटिक एंड अमेजिंग चीज़ क्या लोगे भाई। बारिश चालू हो गई है, बहुत ही बढ़िया वेदर हो चुका है भाई इस टाइम तो हिमाचल के अंदर। हुआ है और एक साइड अभी इन्होंने पूरा बंद करा हुआ है ट्रैफिक थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, पता नहीं क्यों, बट यहाँ काफी भीड़ है यार, हमें 20-25 मिनट हो गए। कितनी तेज पानी आ रहा है भाई, पानी का बहाव कितना तेज है। ये देखो पूरे रास्ते के अंदर लैंडस्लाइड हुई हुई है यार, आप देखो भाई बड़ा रिस्की हुआ हुआ है रास्ता इस टाइम अगर आप ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो। देखो हर जगह लैंडस्लाइड, गवर्नमेंट ने बढ़िया काम करा है रोडें क्लियर करके, बट आप स्टिल देखो गाड़ियाँ जा रही हैं तेज तेज जा रही हैं, बट आप स्लो जाना, काफ़ी तेज एंड तगड़ी बारिश हुई हुई है यार। जैसे हम मसूरी गए थे ना, मसूरी में खतरनाक बारिश थी, यहाँ पे भी बहुत खतरनाक बारिश हो रही है। आप रास्ता देखो तो यहाँ से आगे कसौली का रास्ता, ये कट याद रखना, रमाडा का बोर्ड बना हुआ है, यहीं से रास्ता जा रहा है अपना कसौली के लिए। भाई रास्ता देख लो भाई, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही शानदार ब्यूटीफुल रास्ता है, छोटा छोटा रास्ता है पहाड़ों के बीच में और बहुत सही है। कसौली तक में इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई हुई है, क्या बताऊँ मैं आपको भाई, बट क्या वेदर हुआ हुआ है, क्या व्यू हुआ हुआ है, क्या ड्राइव है, बियॉन्ड वर्ड्स भाई। ठीक है रास्ता देखो यार, क्या बढ़िया ड्राइव है भाई, ये कैसा रास्ता है यार, कैसे रास्ते से गाड़ियाँ जा रही है भाई। ये देखो जी बाहर का रास्ता,
ये देखो भाई एकदम एज पे जा रहे हैं हम, एज पे चल रही है गाड़ी, एज।